आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो लकड़ी काटने के इस कार्य में निपुण है या अनुभवी है। अब उसे देखिए, उसका ध्यान सभी लकड़ियों पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है मात्र उस एक लकड़ी के एक छोटे से भाग पर जहां से ये लकड़ी काटी जा रही है। और ऐसा वो क्यों करता है? यदि ऐसा वो ना करे तो लकड़ी उचित प्रकार से और शीघ्र नहीं कटेगी। जीवन में भी यही होता है। आपने कोई लक्ष्य ठान लिया, कोई मार्ग ठान लिया या कोई कार्य ठान लिया, निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो अपना पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित कीजिए। यदि आपका मन यहाँ वहां देखने लगा, भटकने लगा, विचलित होने लगा, यदि ऐसा होता है तो आप असफल ही होंगे। तो कर्मठ नहीं है, निरंतर कर्म कीजिए और पूर्ण ध्यान लगा कर अपना कार्य कीजिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए क्या होता है, कैसे उचित प्रकार से और शीघ्र गति से आपका लक्ष्य आप तक पहुंचता है। तब आपका ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।